सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, अवाच्य वदांस बहून वदिष्यन्ति त्वाहितः निन्दन्तस्त्वा सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। अर्थात, तेरे जो वैरी लोग हैं, शत्रु लोग हैं, वो तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और बहुत सारे ऐसे वचन कहेंगे जो कहने योग्य नहीं होंगे, और तेरे मुंह के पर कहेंगे, तेरे मुंह के सामने कहेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे भरपूर। भला इससे बढ़ कर के दुख और क्या होगा। भगवान ने पहले भी श्लोकों में बताया था कि निंदा तुम्हारी होगी, तो वहाँ सार्वजनिक निंदा की बात की थी, सामान्य जनों की। यहाँ ये कह रहे हैं कि वे तो करेंगे ही करेंगे, जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं, वैरी लोग हैं, वे भी निंदा करेंगे और वे आड़े पीछे तो करेंगे ही, तेरे मुंह के सामने भी कहेंगे, गाली देंगे तुम्हें, नपुंसक कहेंगे, कायर हिजड़ा कहेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे तुम्हारी। ऐसा होता है, शत्रु का मतलब ही यही होता है। शत्रु हर तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है, आपके दिल दिमाग को तोड़ता है, मनोवैज्ञानिक प्रहार भी करता है, गालियों से, निंदा से, उपहास से। पूरे समाज में यश और कीर्ति का नुकसान करके ऐसा करते हैं, तो वह तो वे करेंगे ही, ये शत्रुओं का इस तरह का काम है, तो उससे और ज़्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है कि आपकी निंदा होगी, आपके युद्ध कौशल की निंदा होगी, आपके पराक्रम की निंदा होगी। आपके युद्ध कौशल की और इन सब की निंदा होगी, और उससे बढ़कर के भला और कोई दुख नहीं हो सकता है। जब मनुष्य किसी अन्य के सामर्थ्य की सार्वजनिक निंदा करता हो, तो उससे बढ़कर के भला और कोई दुख नहीं होगा उसके लिए, और जो वैरी लोग हैं, शत्रु लोग हैं, वे तो और बढ़ करके ही करेंगे और कोई भी मौका नहीं गंवाएंगे, बल्कि और मौके निकालेंगे। और जो सम्मानित व्यक्ति होता है, जो समाज में आदर्श व्यक्ति है, उसके लिए भला इससे बढ़ करके और क्या बात होगी कि उसे निंदा का सामना करना पड़े। और विशेषकर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वह प्रवीण माना जाता हो, जिस क्षेत्र में उसकी सबसे अधिक पहुंच है, सामर्थ्य है, और युद्ध कौशल है, महान धनुर्धर में गिनती है, बहादुरी में गिनती है, पूरी की पूरी सेना हराने में गिनती है, तो जिस क्षेत्र में उसको विशारद हासिल है, उस क्षेत्र में ही जब उसे परास्त किया जाता है और निंदा के अर्थ में उसके अपयश का गान होता है, तो उसके लिए बढ़कर के और दुख नहीं हो सकता है, मृत्यु भी कम है उससे। यही यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। तो जो दुर्वचन सुने जाएंगे, सिर्फ तुम ही नहीं सुनोगे, बल्कि तुम्हारे जो समर्थक हैं, तुम्हारे जो अनुयायी हैं, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, तुम्हारे जो हितैषी हैं, तुम्हारे परिवार के लोग हैं, वे सारे सुनेंगे, और फिर उनके लिए सर झुकाना
बहुत ही कठिन वो घड़ी होगी, क्षण होगा कि उनको सर झुकाना पड़ेगा और वे जलील होंगे। उनका भी बल टूटेगा, आत्मबल टूटेगा, उनके भी सामर्थ्य चूकेगी, उनकी भी बहादुरी गिरेगी, उनका भी रण कौशल गिरेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो आदर्श होता है उसके जो समर्थक होते हैं उससे भी वे बल पाते हैं, उससे भी वे तेज और सामर्थ्य पाते हैं, उससे भी वे रण कौशल पाते हैं, तो उससे यश पाते हैं। लेकिन जब वही जब आदर्श ही गिरता है, जब उसका जो लीडर है, जो नेता है, जब उसे ही दबोच लिया जाता है, जब उसे ही परास्त कर दिया जाता है, उसे ही कलंकित कर दिया जाता है, अपमानित कर दिया जाता है, जलील कर दिया जाता है, दीनहीन कर दिया जाता है, तो उसके जो समर्थक हैं वे आप ही दीनहीन हो जाते हैं। क्योंकि उसी के बल पर कूदने वाले लोग अब किसके बल पर कूदेंगे? तो वो सेना, वो समाज, वो ग्रुप सब छिन्न भिन्न हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने ये उपदेश दिया है कि जो आदर्श व्यक्ति हैं, जो नेता हैं, जो महावीर हैं, पराक्रमी हैं, उद्यमी हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे अर्थ जगत में हो, चाहे राजनीतिक जगत में हो, चाहे धर्म जगत में हो, चाहे कर्म जगत में हो, किसी क्षेत्र में हो, जो आदर्श और लीडर हैं, और उन्हें अपने यश को बरकरार रखने के लिए हर परीक्षा देनी है और हर प्रकार का बलिदान देना होता है, तब जा कर के उनके समर्थकों की लाज बची रहती है, उनके समर्थकों का सामर्थ्य और उत्साह बचा रहता है, तब उनकी बल वृद्धि होती रहती है, उनमें हर्ष वृद्धि होती रहती है। तो यह है, अन्यथा वह बहुत दुखदायिनी हो जाती है। तो यही भगवान का यहाँ पर मंतव्य था। तो इस और वह दुख सबसे बढ़कर के होगा, वो जीने से, वो मृत्यु से बढ़कर दुख होगा, और जीने में पूरा ज़िंदगी कष्टमय वह बीतेगा। तो उस तरह से कष्टमय जीवन से बचना अनिवार्य है। तो उसके लिए तुम्हें युद्ध करना ही होगा, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने चाहने वालों के लिए। यही भगवान का यहाँ पर अभिप्राय है।